पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में सांसद अर्जुन राम मेघवाल को केंद्रीय कानून मंत्री बनाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी महाराणा प्रताप मंडल ने हर्ष जताते हुए पीएम मोदी का आभार जताया है। आजाद भारत देश में भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के कानून मंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की ओर से एससी वर्ग के सांसद अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाए जाने पर भाजपा महाराणा प्रताप मंडल के पदाधिकारियों ने भाजपा देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर बोतरा के नेतृत्व में चांग स्थित बाबा साहब अंबेडकर सर्किल पर खुशी का इजहार करते हुए बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए आतिशबाजी करते हुए खुशियां मनाई। इस मौके पर उपस्थित पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के जयकारे लगाते हुए पीएम मोदी का आभार प्रदर्शित किया। माल्यार्पण तथा आतिशबाजी कार्यक्रम के दौरान महाराणा प्रताप मंडल अध्यक्ष नरेश मित्तल, शिव प्रकाश सामरिया, तिलोक तालेपा, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष तारा सोनी, हेमंत चंदेल, श्री कृष्ण जांगीर, दिलीप शर्मा, ब्रजकिशोर शर्मा, रंजीत साकला, रोशन तुनगारिया, विपिन गुजराती, मुनि देवी गहलोत, रामेश्वर गहलोत, मुकेश कल्ला, पुष्पा असवानी, बाबूलाल धौलपुरिया, मनन गहलोत, सज्जन सिंह, मंजू गहलोत, गायत्री देवी, अनिल जांगीर, हिमांशु शर्मा, सुनील माकर तथा जितेंद्र ठटेरा सहित सभी कार्यकर्ता। पहले कानून मंत्री बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, और उसके बाद जो पहली बार कानून मंत्री बनने का जो सौभाग्य मिला है अनुसूचित जाति के वर्ग के व्यक्तित्व को, वो है हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्जुन राम जी मेघवाल साहब को। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब से केंद्र में सरकार आई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के सपनों को साकार कर रही है, जहां आम जन अनुसूचित जाति के वर्ग के उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन स्तर को उठा रही है, तो उनका जो वास्तव में हक है वो हक भी अदा कर रही है। इसके साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान आज़ादी के बाद मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, लेकिन 2000 में आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से जुड़े 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित कर उनके सपनों को साकार करते हुए और अनुसूचित जाति के वर्ग के उत्थान का काम किया।